और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां सिद्धरमैया आज सीएम पद की शपथ लेंगे। दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार बनेंगे, उनके साथ 8 मंत्री भी शपथ लेंगे। समारोह में कई विपक्षी नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक से अच्छा माहौल बनेगा। कर्नाटक चुनाव में जीत को कांग्रेस पार्टी 2024 की तैयारियों के तौर पर देख रही है, 2024 के लिए अच्छा संकेत मान रही है। इस बीच कर्नाटक में आज बड़े पैमाने पर विपक्षी नेताओं का यहां पर जमावड़ा लग सकता है। सिद्धरमैया मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके साथ डीके शिवकुमार भी होंगे। उप मुख्यमंत्री बनेंगे डीके शिवकुमार, 8 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद सजाया गया है, जगह जगह इमारतों को सजाया गया है और इस शपथ ग्रहण में कई विपक्षी नेता शामिल होंगे। पूरी कवायद 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता की जा रही है। हालांकि कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कि इससे आज दूर भी रहेंगे। आज जो नेता शपथ लेंगे उनमें जी परमेश्वर, के एच मुनियप्पा, एमबी पाटिल, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान का नाम शामिल है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, उनका गृह जिला है, गृह राज्य है कर्नाटक, और वहां पर जिस तरह से सरकार बनाने में कामयाबी मिली है, कहीं ना कहीं खड़गे भी काफी खुश। उनके बेटे भी आज मंत्री बनेंगे और कांग्रेस कर्नाटक में मिली जीत को आगे आने वाली राजनीति का संकेत मान रही है। गाजे बाजे के साथ समारोह की तैयारियां की जा रही हैं, परंपरागत कर्नाटक संगीत बजाया जा रहा है। चुनाव नतीजों के 7 दिन के बाद कर्नाटक में नई सरकार बनने जा रही है। 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 13 मई को आए नतीजों में कांग्रेस ने कर्नाटक में 135 सीटों पर जीत हासिल की थी। बहुमत के बावजूद कांग्रेस को सीएम तय करने में लंबा वक्त लगा। अंत में पार्टी ने फैसला लिया कि सिद्धरमैया सीएम होंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे बेंगलुरु में शपथ ग्रहण समारोह होगा और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के साथ 28 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें एमबी पाटिल, जी परमेश्वर, लक्ष्मण साध्वी, ईश्वर खंडरे, बीके हरिप्रसाद, जमीर अहमद खान, यूटी कादर, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी, केजे जॉन। तो कर्नाटक में आज शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां की जा रही हैं। कौन कौन नेता आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। सिद्धरमैया के सुपर 8, जी परमेश्वर, के एच मुनियप्पा, के जे जॉर्ज, एम बी पाटिल, सतीश जारकीहोली, प्रियांक खड़गे, रामलिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान, ये नेता आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। नए मंत्रिमंडल के सामने फौरी चुनौती होगी जो वादे कांग्रेस की ओर से किए गए हैं। राहुल गांधी ने जो 5 गारंटी दी है घोषणा पत्र में, उन्हें पूरा करना, 2024 के लिहाज से विकास कार्यों को गति देना और अपने घोषणा पत्र को पूरा करने की ओर आगे बढ़ना। यही नहीं, आज विपक्ष का बड़ा जमावड़ा यहां लगने की उम्मीद। माना जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां पहुंचेंगे। इसके अलावा एमके स्टालिन आ सकते हैं तमिलनाडु से। हालांकि इसमें ना आने वाले नेताओं की भी एक लंबी फेहरिस्त है, जिसमें माना जा रहा है कि ममता बनर्जी होंगी जो कि इसमें शामिल नहीं होंगी। Z News।